जिसकी वजह से मतदान बाधित हुए। पोलिंग बूथ पर ईवीएम बदल जाने पर मतदान शुरू है। पहले यहाँ पर ईवीएम को बदला गया क्योंकि ईवीएम खराब हो गई थी, उसके बाद जब ईवीएम बदली गई है तो फिर यहाँ पर मतदान शुरू है। 40 मिनट की देरी हुई है, मतदान बाधित रहा, लोग वहाँ पर लगातार पहुँच रहे थे लेकिन दिक्कतें इतनी ज्यादा थी कि ईवीएम को बदलना पड़ा और उसके बाद यहाँ मतदान शुरू है। मामला ये है बूथ संख्या 136 का, 40 मिनट देरी से मतदान शुरू है। यहाँ पर शाहगंज जो तहसील मतदान केंद्र पर देरी से वोटिंग शुरू हुई है, बूथ संख्या 136 है जहाँ पर 40 मिनट देरी से मतदान शुरू है। बड़ी खबर जौनपुर से है दिव्या। बिल्कुल आकांक्षा, बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और अजीत के पास चलते हैं, जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि अलग अलग जगह से हम देख रहे हैं कि ईवीएम को बदले जाने की खबर भी मिल रही है, वहां सब कुछ सुचारू रूप से? जी बिल्कुल, आपको बता दूंगी मतदान शुरू हुआ है, कहीं बैटरी की कोई खराबी भी नहीं, जो बैटरी बदलने के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हो गया। कहीं पे 40 मिनट तक ईवीएम खराब रहा और उसके बाद ईवीएम बदलने के बाद अब जो है सुचारू रूप से मतदान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और मुद्दे क्या क्या नजर आ रहे हैं आपको फिलहाल, किस तरीके के समीकरण दिखाई दे रहे हैं जौनपुर में? देखिए, यहाँ का सबसे हॉट सीट अगर कहा जाए तो बनी विधानसभा सबकी नजर है, वहाँ से बाहुली धनंजय सिंह जेडीयू प्रत्याशी है, तो वहीं सपा से लक्की यादव चुनाव मैदान में है, तो दोनों में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि वहाँ पर जो है यादव बाहुल क्षेत्र है और धनंजय सिंह भी अपने को कम नहीं आ रहे हैं और वो भी अच्छे से लड़ रहे हैं चुनाव।